प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है हार की वजह। चंपक वन एक अनोखा जंगल था। इस जंगल के एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी ओर गहरा समुद्र। सर्दियों में पहाड़ों में रहने वाले जानवर भी इस जंगल में आ जाया करते थे। यूं तो जंगल और समुद्र में रहने वालों में बातचीत ना के बराबर ही होती, लेकिन किंशुक कछुए की वजह से दोनों तरफ के जानवर एक दूसरे के बारे में जान लेते। किंशुक बेहद समझदार और तेज बुद्धि वाला था। सभी जानवर अक्सर अपनी परेशानियों को हल करवाने उसके पास जाया करते थे। जब भी कोई जानवर अपनी मुश्किल हल हो जाने पर उसका धन्यवाद करता तो किंशुक बहुत प्यार से कहता, अरे तुम जरा परेशान थे इसलिए खुद हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। जब हम दुख तकलीफ में शांत होना सीख जाते हैं तो हल भी खुद ही मिल जाता है। सभी जानवर यही समझते कि ये किंशुक का बड़प्पन है, वरना यूं हर बात का हल खोज लेना कोई आसान बात नहीं है। दिन ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे थे कि एक दिन जंगल के कुछ जानवरों ने किंशुक को बताया कि हाथी मस्तान जंगल में बहुत नुकसान कर रहा है। बंदरों ने बताया, क्या कहें किंशुक, पेड़ों पर हमारे जितने झूले थे सारे इस मस्तान ने तोड़ दिए और ना जाने कितने फल खा गया। कुछ पूछो तो कहता है, इतना बड़ा शरीर है मेरा, खाना भी तो उसी हिसाब से खाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी ना इतना ताकतवर हूं। तो ताकत का घमंड है, चलो कुछ सोचता हूं। इतना कहकर किंशुक कछुआ समुद्र का हालचाल लेने निकल पड़ा। वैसे तो जंगल की तरह समुद्र में भी शांति रहती थी, लेकिन जब से बीरन वेल इस ओर आई है उसने आतंक मचा रखा था। सभी छोटी बड़ी मछलियां इस बीरन से डरी हुई थी। किंशुक का भी अचानक इस बीरन वेल से सामना हो गया। इतनी बड़ी मछली के बिना सिर घुमाए एक बार में कोई उसे पूरा ना देख पाए। एक कछुए, मुझे अच्छे से पहचान ले, अब से मैं ही तुम्हारी रानी हूं, और मेरा ध्यान रखना, तुम ही लोगों का काम है, बीरन ने किंशुक से कहा। वो बेचारा कछुआ इतनी बड़ी मछली को क्या कह सकता था। ठीक है रानी साहिबा, ये कहकर दूसरी ओर निकल गया। किंशुक अब गहरी सोच में था, क्योंकि अब चैन और आराम ना तो जंगल में था और ना पानी में। ऐसे तो नहीं चल सकता, कुछ तो करना जरूरी है। दोनों मुसीबतों को अगर अलग अलग हल करूंगा तो वक्त लगेगा, लेकिन पहले किसे हल करूं? जिसे भी पहले हल करता हूं तो दूसरे का नाराज होना पक्का, और फिर सभी मेरे प्यारे दोस्त हैं। क्यों ना मैं दोनों को एक साथ ही हल कर दूं? हां यही ठीक रहेगा। ये सब सोचकर किंशुक सीधा हाथी मस्तान के पास पहुंचा। मस्ताना अपनी मस्ती में फल फूल तोड़ रहा था। दो चार जानवर उसके सोने के लिए बिस्तर बिछा रहे थे। जैसे ही हाथी मस्तान ने कछुए को देखा, सबसे कहा, इस सुस्त और आलसी को भी किसी काम पर लगाओ। किंशु जरा अकड़कर बोला, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं समुद्र का राजा हूं, और तुम कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? हां अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। किंशुक की बात सुनकर सभी जानवरों के हाथ पैर फूल गए। सभी को लगा आज तो किंशुक ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा जी, और कछुए महाराज, आप मुझे कब हराएंगे और कैसे? हाथी मस्तान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हम अपनी अपनी कमर में रस्सी बांधकर एक दूसरे को खींचेंगे, जिसने दूसरे को खींच लिया वो जीत गया। तुम जीते तो मैं तुम्हारा नौकर, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर तो मस्तान अपनी हंसी रोक ही ना पाया और इस नए खेल के लिए तैयार हो गया।
मस्तान को मनाकर किंशुक सीधा बीरनवेल के पास पहुंचा। किंशुक को देखते ही बीरन गुस्से में बोली, कछुए तुम्हें कितनी बार बुलाया, बताया भी था कि एक टेबल चाहिए, इंतजार की आदत नहीं है मुझे। देखो बीरन देवी, मैं सामने वाले जंगल का राजा हूं, मैं तुम्हारा काम सिर्फ तभी कर सकता हूं अगर तुम अपनी ताकत से मुझे हरा दो, किंशुक ने बीरन को उकसाने के लिए कहा। मस्तान की तरह बीरन भी किंशुक की चाल में फंस गई। कछुए से जीतने की जल्दी में उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हो सकता है इसमें कछुए की कोई चाल हो। खैर, घमंड वैसे भी सबसे पहले सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म करता है। कछुए ने रस्सी मंगवाई और उसे बीरन की कमर से बांध दिया। बीरन ने किंशुक को चिढ़ाने के लिए कहा, रस्सी जरा धीरे खींचेगा कछुए महाराज, नहीं तो मैं डर जाऊंगी। इस पर किंशुक बोला, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हें खींचकर जंगल में ले जाऊंगा, अगर जीतना चाहती हो तो समुद्र की ओर ही जोर लगाना। इतना कहकर किंशुक मस्तान के पास गया और रस्सी के दूसरे छोर से उसे बांध दिया और खुद जाकर रस्सी के बीचों बीच एक पेड़ के पीछे छुप गया। अब दोनों बाहुबली ने रस्सी अपनी ओर खींचनी शुरू की। दोनों समझ रहे थे कि दूसरी ओर किंशुक कछुआ है। पहले जो हंसी चल रही थी वो जल्द ही गायब हो गई। हंसी के बाद गुस्सा और गुस्से के बाद डर उन दोनों के अंदर आ चुका था। दोनों जी जान से एक दूसरे को खींच रहे थे। काफी देर तक चली इस रस्सा कशी से अचानक रस्सी बीच में से टूट गई। हाथी महाराज अपनी ही ताकत से मात खाकर सीधा जंगल के बाहर पहुंच गए और बीरन देवी जहां से आई थी वापस वहीं। सभी जानवर एक बार फिर किंशुक की चतुराई की तारीफ करने लगे कि कैसे उसने एक रस्सी से दोनों दुष्टों को जंगल से भगा दिया। वहां हाथी और व्हेल चाहकर भी वापस नहीं आ सकते थे। आखिर जो एक कछुए से हार गया हो, ऐसे राजा का हुक्म कौन मानेगा? तो देखा बच्चों, खुद को सबसे अच्छा समझने वाला, घमंड करने वाला अपनी हार अपने नुकसान की वजह खुद ही बन जाता है। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।